हिजाब को लेकर ईरान में बवाल, राष्ट्रपति ने महिला एंकर को नहीं दिया इंटरव्यू, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रखी अजीब शर्त। ईरान में हिजाब को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। देश के कई राज्यों से इसके विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से जुड़ी ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इस समय यूएनजीए में शामिल होने के लिए अमेरिका में हैं। इस दौरान उनका एक इंटरव्यू सीनियर पत्रकार क्रिस्टीन अमनपोर के साथ प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। रईसी ने शर्त रखी कि वो इंटरव्यू तभी देंगे जब अमनपोर हिजाब पहनेंगी। अमनपोर ने उनकी इस मांग से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका इंटरव्यू रद्द कर दिया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते ईरान में हिजाब विवाद उस समय गहरा गया जब 22 वर्षीय महसा अमीनी की हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान में मोरल पुलिसिंग और महिलाओं के हिजाब पहनने की अनिवार्यता के खिलाफ हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। इस दौरान हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं के साथ मारपीट की भी खबरें सामने आईं। ईरान सरकार ने इस आंदोलन के चलते देश में इंस्टाग्राम व इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। एक गैर सरकारी समूह ने हिंसक झड़पों में 31 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। एंकर क्रिस्टीन ने अब इस मसले पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। रईसी की तरफ से ये मांग ऐसे समय में आई जब वो ईरान में ना होकर विदेश में हैं, और जहां हिजाब से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं है। ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प देखने को मिल रही है, जिसमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं क्रिस्टीन अमनपोर CNN की एंकर हैं। उनका अमेरिकी टीवी चैनल PBS पर भी एक शो है। उन्होंने कहा कि बुधवार को इंटरव्यू को लेकर तैयारी चल रही थी, तभी एक सहयोगी ने जोर देकर मुझे बालों को ढकने को कहा। मैंने विनम्रता पूर्वक ये कहते हुए मना कर दिया कि हम न्यूयॉर्क में हैं, जहां हिजाब पहनना किसी नियम या परंपरा के तहत नहीं आता है। उन्होंने ट्वीट किया, ईरान में हिजाब का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। महसा अमीनी की मौत के बाद वहां की महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने हिजाब जला रही हैं। इस बारे में मैं ईरान के राष्ट्रपति से इंटरव्यू करना चाहती थी। अमनपोर ने आगे लिखा, ये रईसी का अमेरिकी जमीन पर पहला इंटरव्यू था। हफ्तों की प्लानिंग के बाद सेटअप करने में 8 घंटे लगे। लाइट कैमरा और ट्रांसलेटर तैयार थे, लेकिन राष्ट्रपति रईसी नहीं थे। इंटरव्यू से पहले मेरे एक सहयोगी ने आकर कहा कि राष्ट्रपति सिर ढकने को कह रहे हैं, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। उन्होंने आगे लिखा, मैंने साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि आज से पहले किसी ईरानी राष्ट्रपति ने इस तरह की मांग नहीं रखी थी। मेरे सहयोगी ने बता दिया कि अगर हिजाब नहीं पहनना तो इंटरव्यू नहीं होगा। अंत में इंटरव्यू नहीं हुआ। गौरतलब है कि हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पुरुष भी महिलाओं का साथ दे रहे हैं। अब ये 15 शहरों में फैल गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। आंदोलन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। गुरुवार को फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। 15 दिन में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। सैकड़ों लोग घायल हैं। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।